साथियों, आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप एफआईआर थाने पर पंजीकृत करा सकते हैं। कई बार आप स्वयं थाने अगर जा सकते हैं तो वहां एफआईआर पंजीकृत करने के लिए थानाध्यक्ष बाध्य हैं यदि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना, संज्ञेय अपराध की सूचना आपके द्वारा दी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सभी जो नागरिक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि घर बैठे ही आप एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपके लिए डेवलप किया है। इसका नाम है यूपी कॉप, UPCOP। ये किसी भी प्ले स्टोर से आप जो एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको अपनी सूचना, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आदि, एक बार आप इसका पंजीकरण करा देंगे उसका फिर पासवर्ड आप अपना याद रख लीजिए और फिर आपको कभी भी एफआईआर करानी हो, चाहे वाहन चोरी, वाहन लूट, पर्स स्नैचिंग, पर्स चोरी, बैग चोरी, या किसी माइनर बच्चे की गुमशुदगी, या कोई सीनियर सिटीजन से संबंधित सेवा, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके साथ ही आपको सत्यापन कराना है अगर अपने किराएदार का, अपनी नौकरी के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट क्लियरेंसेस चाहिए, तो ये समस्त सेवाएं आपको इस यूपी कॉप पर मिलेंगी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कि आप घर बैठे ही थाने पर जाए बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और इसमें न केवल आप सूचना दर्ज करा सकते हैं बल्कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसकी क्या पोजीशन है वो जान सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पता चलता है कि कहीं एफआईआर किसी संबंध में, कोई एफआईआर किसी थाने पर उत्तर प्रदेश के पंजीकृत हुई है, वो आप देखना चाहते हैं, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो तब आप यूपी कॉप का प्रयोग कीजिए। यूपी कॉप एक इतना यूजर फ्रेंडली कॉप डेवलप किया गया है कि इसमें 27 प्रकार की सिटीजन सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, जिसमें आप जुलूस की परमिशन, फिल्म की परमिशन, चरित्र सत्यापन, बाकी जो हमने जितनी भी सेवाएं बताई एफआईआर के संबंध में, या खोया पाया कोई भी आर्टिकल अगर खो जाता है उसके बारे में भी इसमें सूचना दर्ज कराई जा सकती है। अभी मैं इसका डिटेल्ड जो इसका प्रोसीजर है कि किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करें, ये हमारे प्रयागराज जोन में यहाँ नियुक्त जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, श्री विद्यासागर तिवारी, इनके द्वारा ये जानकारी दी जाएगी। कृपया गौर से देखें और इसे अपने जरूरत के लिए, आप जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस पर आप जाएं और तत्काल एफआईआर पंजीकृत कराएं। ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च में टाइप करना होगा UPCOP, यूपी कॉप, कुछ इस तरह का लोगो बन के आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, आपको इंस्टॉल करना है। नाइन पॉइंट थ्री टू MB का है। और इंस्टॉल होने के बाद ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ इस तरह से इंस्टॉल होगा। फिर इसको ओपन करेंगे, यूपी कॉप मोबाइल ऐप ओपन होने के बाद आप जब तक इसमें लॉगिन नहीं करेंगे तब तक ये कोई फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यहाँ से लॉगिन होने के बाद यहाँ पे यूजर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिखने लगेगा। आप किसी भी फंक्शन पे टच करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन मांगेगा, जैसे ये मोबाइल नंबर, सबसे पहले ये लॉगिन पेज है, सबसे पहले आपको ऐप में लॉगिन करना होगा। आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, मेरा नंबर ये है, मैं ये OTP के माध्यम से लॉगिन होता है। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, ऑटो वेरीफाई OTP, ऑटो फिल OTP, इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका वो लॉगिन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ मेरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यूपी कॉप के विभिन्न सेवाओं में FIR, कंप्लेंट्स, परमिशन, सर्विसेज इंफॉर्मेशन, सर्च योर एप्लीकेशन, स्टेटस डाउनलोड, यूपी कॉप यूजेज रिपोर्ट, इनमें सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम देखते हैं FIR। FIR में क्या क्या कंटेंट है,
FIR में सबसे पहले है रजिस्टर्ड EFIR। रजिस्टर्ड EFIR में आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी वाहन चोरी, लूट, गुमशुदगी, स्नेचिंग, अज्ञात के खिलाफ आप दर्ज करा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर्ड EFIR पर क्लिक करेंगे। EFIR पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, पहला सेल्फ, दूसरा ऑन समवन बिहाफ। दोनों में अंतर यह है, सेल्फ में यह है कि आप जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन किए हैं वो जिस डिटेल से वो यूजर क्रिएशन किया गया है उसका वो नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों डिफॉल्ट ले लेगा। ऑन समवन बिहाफ मतलब आप किसी दूसरे का करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो सेम चीज है, बस आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें भरना पड़ेगा जिसके लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको एज, इसमें एज में एज लिखेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में कहाँ, डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, पुलिस स्टेशन किस थाने के लिए आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो आप सिविल लाइन थाना ले सकते हैं। नेचर ऑफ कंप्लेन का नेचर क्या है, बलगरी है, साइबर क्राइम है, FICN है, किडनैपिंग है, लूट है, अगर इसमें जो चीज हुआ है इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे सब टाइप कंप्लेंट में आप टाइप कर सकते हैं, जैसे आपके आपके साथ वो ये चोरी हुई है तो थेप लिख सकते हैं। FIR का कंटेंट जो भी आपके साथ थेप हुआ है आप FIR कंटेंट में जो भी आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं उसको आप टाइप कर सकते हैं। डाउनलोड FIR कंटेंट से आप जो भी FIR का कंटेंट लिखे हैं वो आपका PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, और जो भी आप थाना अध्यक्ष के लिए एप्लीकेशन लिखे हैं आप उसको एप्लीकेशन को यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका EFIR दर्ज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है व्यू डाउनलोड FIR। इस ऑप्शन से आप पूरे प्रदेश के किसी भी थाने का कोई भी FIR देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या, व्यू FIR में जाना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए प्रयागराज, हमने पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया, कैंट। FIR नंबर पता है तो FIR नंबर, अगर नहीं पता है तो किस डेट में FIR हुआ है, आप FIR डेट सर्च करेंगे, मान लीजिए 1 मई से और 19 मई के बीच में हम FIR कराए हैं लेकिन नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ से सर्च करेंगे। इस बीच में कैंट थाने में जितने भी FIR लिखे गए होंगे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी, 110, 109, 108, 107, ये कि सब खुल के आ जाएंगे, आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रोड एक्सीडेंट केस। इस टैग के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस डेट में कितने रोड एक्सीडेंट के केसेस लिखे गए हैं, आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करो मैं प्रयागराज का देख रहा हूँ, प्रयागराज में पुलिस स्टेशन कैंट का देखें, हमें FIR नंबर नहीं पता, हमें वो डेट देखना है कि इस डेट में कितने FIR के केसेस हुए हैं। हमने देखा 1 जनवरी से अब तक मई 19 तक कितने रोड एक्सीडेंट के केसेस लिखे गए हैं, मैंने सर्च किया तो प्रयागराज के कैंट थाने में इतने FIR रोड एक्सीडेंट से संबंधित लिखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रजिस्टर लास्ट आर्टिकल। इस टाइप के माध्यम से आप किसी भी चीज की गुमशुदगी दर्ज करा सकते हैं, जैसे मोबाइल गुम हो गया, पासपोर्ट गुम हो गया, पैन कार्ड गुम हो गया, आधार कार्ड गुम हो गया, इस संबंध में आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम ऑप्शन है, सेल्फ और अनसमून विभाग मैंने ऊपर बता चुके हैं, बस आपको करना क्या है इसमें, वही फादर नेम, एड्रेस, प्लेस एंड टाइम डिटेल में डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ प्लेस, लास्ट कहाँ पे आपका गुम हुआ है, उसका जगह का नाम, किस तारीख को और कब से कब तक, डिस्ट्रिक्ट में आप किस जनपद में और किस थाना
क्षेत्र में वो जगह पड़ता है वो, और जो भी आपका वो सामान चोरी है उसके बारे में आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और कौन सा सामान आपका एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, बैंक, क्या आपका गुम हुआ है, आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, मोबाइल, जो अगर लिस्ट में कुछ छूट रहा हो तो आप अदर पे क्लिक करके उसका नाम लिख सकते हैं कि मेरा अदर डिटेल में कौन सा डिटेल था, आप उसका नाम लिख सकते हैं और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका कंप्लेन दर्ज हो जाएगा लास्ट आर्टिकल का। अगला ऑप्शन आता है व्यू डाउनलोड लास्ट आर्टिकल, इसको इससे आप जो भी लास्ट आर्टिकल दर्ज किए हैं उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने यूजर से इतने सारे लास्ट आर्टिकल पहले का दर्ज किए हैं जिसको हम कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। FIR का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंप्लेंट्स में। कंप्लेंट्स में सीनियर सिटीजन कंप्लेंट, इसमें कोई भी सीनियर सिटीजन, इसमें भी सेम है सेल्फ और आम समवन विहार, मैंने बता चुका इस चीज को। इसमें भी आप एज डालेंगे, नेचर ऑफ कंप्लेंट, किस तरह का नेचर, कंप्लेंट का क्या नेचर है, किसके खिलाफ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या पुलिस ऑफिसर या पब्लिक या सिविलियन, इंसिडेंट किस तारीख को इंसिडेंट हुआ है, किस जनपद में हुआ है, किस थाने में हुआ है, कहाँ किस जगह पे हुआ है, और जो भी आपकी समस्या है यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर उसके साथ कुछ आपको आवाज, कुछ वॉइस भेजनी है कुछ, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो उसके बाद कंप्लेंट बाय दिव्यांग, इसमें भी वही चीज है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन डिटेल ये सब भर के, कोई फोटो अपलोड हो तो अपलोड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑडियो, अगर आप इसके साथ कोई ऑडियो भेजना चाहते हैं तो ऑडियो भी अटैच करके सबमिट कर देंगे, ये भी आपका कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है शेयर इन्फॉर्मेशन, शेयर इन्फॉर्मेशन भी सेम चीज़ है, आप थाना अध्यक्ष के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको एड्रेस, नेचर ऑफ कंप्लेंट, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, कहाँ क्राउडिंग है, गैम्बलिंग हो रही है, ट्रैफिक जाम है, कहाँ प्रोसेशन हो रहा है, ETC, आप इसमें जो भी आपका नेचर है कंप्लेंट का आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लेस ऑफ इंसिडेंट, कहाँ पे वो घटना हो रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, सस्पेक्ट का अगर नाम पता है तो भर सकते हैं, नहीं तो आप ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं इसको। प्रॉब्लम, समस्या, इंफॉर्मेशन कुछ देनी है तो यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई फोटो अपलोड करनी है तो आप यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं, और उसके साथ कोई वॉइस अगर अटैच करना है तो आप उसके साथ वॉइस भी अटैच करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थाना अध्यक्ष के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है परमिशन, परमिशन में आप प्रोसेशन रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट स्ट्राइक रिक्वेस्ट है, इवेंट परफॉर्मेंस है और फिल्म शूटिंग है। इस सब के संबंध में आप कोई भी रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो DM स्तर से अप्रूव होता है। प्रोसेशन रिक्वेस्ट में जाएंगे, आप वही एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, प्रोसेशन डिटेल में एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, टाइप ऑफ प्रोसेशन, किस तरह का है प्रोसेशन, किस तरह का जुलूस है, आप इसको टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट में करना है, आप इसमें से वो कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कब से कब तक करना है, किस पॉइंट पे करना है, आप पूरा डिटेल्स में सबमिट करेंगे। ये सब रिक्वेस्ट DM स्तर से वो होते हैं, अप्रूव होते हैं। उसी तरह आपका वो प्रोटेस्ट रिक्वेस्ट है, इवेंट परफॉर्मेंस है, फिल्म शूटिंग है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज हैं, ये पुलिस विभाग से इसका वो निशान होता है। इसमें आप करेक्टर वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, इम्प्लॉय वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिक्वेस्ट, इतना वो पेड सर्विसेज है, ₹50 पेमेंट करना होता है, इसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना अप्लाई कर सकते हैं।
कैरेक्टर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आप अपने लिए करते हैं या समवन बिहार दूसरे के लिए कर रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर है जनरल और कंट्रेक्टर। जनरल में आपका पर्सनल होगा और कंट्रेक्टर में ठेकेदारी संबंधी हो जाएगा, तो आपको ठेकेदारी नहीं करना है। ठेकेदारी वाला भी डीएम स्तर से होता है, तो जनरल में आप आएंगे और सेल्फ अपने लिए करना है या समवन बिहार दूसरे के लिए करना है। डिटेल अपना जो भी हो भरेंगे, एज, फादर्स नेम, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, किस पुलिस स्टेशन में आपका एड्रेस है वहाँ, ड्यूरेशन आप स्टे कितने साल के लिए आप कराना चाहते हैं, आपके पास कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है या सुनो, अपलोड फोटो, अपना फोटो अपलोड करेंगे और हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे और सबमिट, आपका जो भी डिटेल होगा वो थाने को संबंधित थाने को LI को DCRB को भेज दिया जाएगा। सभी लोग अपना रिपोर्ट लगाएंगे तो पुलिस अधीक्षक की ID से उसका फाइनल सबमिशन होगा और आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल ID पे आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारे रिक्वेस्ट आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में आपको सबसे पहला ऑप्शन है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इसका मतलब ये है कि आपके पास में कौन सा थाना है। इसके लिए आपके मोबाइल का लोकेशन ऑन होना चाहिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में कौन सा नियरेस्ट लोकेशन पुलिस स्टेशन है वो आपको शो करेगा। जैसे हमने क्लिक किया मेरे पास में पुलिस स्टेशन प्रयागराज सेक्टर सतर्कता स्थान, यानी इसी ऑफिस में ऊपर है इसीलिए ये शो कर रहे हैं। मेरे पास में सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सतर्कता स्थान है। स्टोलन रिकवर विकल्प में आपके जो भी चोरी गए वाहन है अगर बरामद होते हैं तो आप यहां से इंफॉर्मेशन इसकी प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञात शव के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, मिसिंग पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, रिवार्डेड क्रिमिनल्स के बारे में, अरेस्ट अक्यूज, साइबर अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डिटेल। इसमें आपको टाइप ऑफ सर्विसेज जो भी FIR डोमेस्टिक हेल्प करेक्टर सर्टिफिकेट करेक्टर कंट्रेक्टर के लिए प्रोसेसन रिक्वेस्ट जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है उसकी आप स्टेटस देख सकते हैं, अगर डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो पूरा हो गया है तो। यूपी कॉप यूजेज रिपोर्ट, इससे ये होता है पता चलता है कि यूपी कॉप के माध्यम से 2019 में कितने EFIR किए गए हैं, 2020 में, 2021 में, 2022 में कितने EFIR लास्ट आर्टिकल डाउनलोड कितने FIR किए गए हैं, ये सारे डिटेल दिखाते हैं। बस इसमें यूपी कॉप में इतना ही है। SOS का मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप 112 पर डायरेक्ट यहां से कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।